हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और पाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ट्राई द न्यू रेसिपीज ऑफ माय चैनल। क्या इस लॉकडाउन में आप भी मिस कर रहे हैं हलवाई की जलेबियों को? मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जलेबी बनाने की एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, जिससे आपकी जलेबियाँ बहुत ही कुरकुरी बनेंगी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, अंदर तक बिल्कुल चाशनी चली गई है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा और 50 ग्राम के अराउंड उड़द की दाल धुली हुई। उड़द की दाल को एक घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगा दिया था। अब हम करेंगे भीगी हुई दाल को मिक्सी में ग्राइंड और इसका एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। उड़द की दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है और एक बारीक पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, एक से दो चम्मच पानी मिला सकते हैं पीसते टाइम। अब हम करेंगे जलेबी के बैटर की तैयारी, जिसके लिए मैंने ली है मैदा, 200 ग्राम मैदा ली है मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर विस्कर की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, आपको डो का ध्यान रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा मोटा ही रहता है। अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये देखिए, बैटर की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरीके से विस्कर से गिरना चाहिए, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें मिलाएंगे पिसी हुई दाल जो हमने पीस कर रखी थी उड़द की। इससे आपकी जलेबियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। इस बैटर को हमें 5 से 7 मिनट तक के लिए फेटना है। जितना ज़्यादा फेटेंगे उतनी ही एक ही डायरेक्शन में फेटना है और इसको आप 1 घंटे के लिए फ्रैगमेंट होने के लिए रख देंगे। अब हम करेंगे जलेबी की चाशनी की तैयारी, जिसके लिए मैंने लिए 400 ग्राम शुगर। मैंने लिया है एक भगोना और उसमें डाल दी है सारी चीनी। अब मैं इसमें जिस बाउल में मैंने चीनी ली थी उसका 1.5 गुना मैं पानी डालूंगी और चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको चलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है, मैंने लिया है फूड कलर, मैं इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब इस चाशनी को हम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। एक तार से कम की चाशनी बनानी है आपको। इस चाशनी में हम ऐड करेंगे 1/2 लेमन का रस। लेमन का रस इसलिए ऐड किया जाता है ताकि चाशनी में क्रिस्टल ना बने और ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो। फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर, ये मेरे पास रखा हुआ था पहले से ही। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, 8 से 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। एक तार से कम की चाशनी बनानी है। 1 घंटे बाद ये देखिए बैटर कितनी अच्छी तरीके से फूल गया है। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फेटेंगे। ये देखिए कितनी पोरिंग कंसिस्टेंसी है बैटर की। इस लॉकडाउन में मेरे पास कीप तो नहीं थी जलेबी बनाने के लिए, बट मैंने एक जुगाड़ लगाया और एक पॉलीथीन ली और उसको उस तरीके से ऊपर से काट लिया। ये देखिए, बस अब इसके कॉर्नर में आपको बैटर डालना है। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर में डालना है बिल्कुल। बस बैटर डालने के बाद इसको ऐसे कर देते हैं बंद चारों तरफ से, इस पर एक रबड़ बैंड लगा देते हैं अच्छी तरीके से। है ना कितना बढ़िया जुगाड़, लॉकडाउन में तो यही करना पड़ेगा। पॉलीथीन की कीप बनाने के बाद उस पर छोटा सा कट लगा देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। ये देख लेते हैं इसमें बैटर कितना अच्छी तरीके से निकलेगा। परफेक्ट। कढ़ाई ले ली है, अब इसमें डाल देंगे देसी घी, क्योंकि देसी घी की जलेबियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। कढ़ाई के बस 1-2 इंच ऊपर घी गर्म हो गया है। अब हम जलेबियों को इस तरीके से कोन से डालेंगे गोल गोल। ये देखिए इस तरीके से, फ्लेम को आपको मीडियम रखना है ताकि जलेबियाँ जल ना जाएं। ये देखिए एकदम से कितनी अच्छी तरीके से फूली हैं जलेबियों में गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको पलट देंगे दूसरी साइड से सेकने के लिए। कढ़ाई से जलेबियों को उतारते ही आपको चाशनी में डिप करना है 5 से 6 सेकंड के लिए और चाशनी थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए।
आपको बस ये ध्यान रखना है, बस 5 से 6 सेकंड में इस तरीके से डिप करना है और फिर इसको निकाल लेना है, नहीं तो ये ज़्यादा इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्टनेस आ जाएगी। बस अब इसको ड्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसकी एक्सेस चाशनी नीचे निकल जाए। गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी और भी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।